राजपुरी गुफाएं पांचगनी क्षेत्र के सबसे प्राचीन आकर्षणों में से एक है। राजपुरी पहुंचने के लिए सड़कें बहुत संकरी या छोटी हैं, तो बड़े वाहनों के लिए तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो अपने वाहनों को मुख्य सड़क पर खड़ा कर आगे पैदल जा सकते हैं। थोड़ा पैदल जाने के बाद सीढ़ियों से आप गुफा तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे, रास्ते में खाने के स्टॉल नहीं है, इसीलिए अपने साथ पैक्ड फूड्स और पानी की बोतलें जरूर रखें। राजपुरी गुफा, जो कार्तिक गुफा के नाम से भी जानी जाती है, चार परस्पर जुड़ी हुई गुफाएं हैं और ये प्राचीन गुफाएं कई पवित्र कुंडों से घिरी हुई है। भक्तों का मानना है कि इन पवित्र कुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। गुफाओं में प्रवेश करने पर आपको सुंदर शिलालेख दिखाई पड़ता है। राजपुरी गुफाओं का एक मुख्य आकर्षण भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। भगवान कार्तिक और उनके बंधु भगवान गणेश के बीच विश्व परिक्रमा की स्पर्धा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है नारद मुनि भगवान कार्तिक स्वामी से मिले और उन्हें गणपति जी के विजयी होने की जानकारी दी। नारद मुनि और कार्तिक स्वामी के बीच चर्चा के बाद कार्तिक स्वामी ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। स्कंद पुराण में इस घटना का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का उपयोग भगवान कार्तिकेय ने तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया था। एक बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि भगवान कार्तिक ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए यहाँ स्त्रियों को प्रवेश वर्जित है।